आदरणीय भगवान, आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा कि भारत ने 30 हजार करोड़ का बड़ा ड्रोन ऑर्डर दिया है अमेरिका को। जनरल एटॉमिक्स के द्वारा बनाए गए ड्रोन्स भारत खरीद रहा है, जो कि भारतीय नौसेना, थल सेना एवं वायुसेना तीनों के, जी हाँ तीनों के काम आएंगे। भारत यहाँ पर अमेरिकी कंपनी को धंधा दे रहा है, लेकिन साथ में, जी हाँ साथ में, आप देख लीजिए, भारतीय कंपनियाँ अमेरिकी कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। HEG ये कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है। ग्रेफाइट की ये जो छड़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है स्टील प्रोडक्शन में। HEG ना केवल भारत की बल्कि दुनिया भर की ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड पूरी करती है। ये HEG भारतीय कंपनी है, लेकिन अब इसने अमेरिकन ग्राफटेक इंटरनेशनल में 8 से 9% की हिस्सेदारी डायरेक्ट ओपन मार्केट से खरीदी है। HEG का कहना है कि हम ग्राफटेक इंटरनेशनल में हिस्सेदारी और बढ़ाएंगे भविष्य में। कारण उसका यह है कि ग्राफटेक इंटरनेशनल के पास सीक्रेट टेक्नोलॉजी है। ग्राफटेक इंटरनेशनल जो इलेक्ट्रोड्स बनाता है, वो बेहद विशेष प्रकार की हैं, ऊंचे दाम पर बिकती हैं। तो इस प्रकार जो HEG हिस्सेदारी खरीद रहा है, उससे उसे हाई एंड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो ये तो हो गया ग्रेफाइट का बिजनेस। साथ में HEG रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार भी कर रही है। सोने में सुगंध डालने वाली बात यह है कि HEG का शेयर स्प्लिट होने वाला है। एक शेयर 5 शेयर्स में टूटेगा एवं उसके बाद HEG का जो रिन्यूएबल कारोबार है, उसका डिमर्जर भी हो जाएगा। मतलब आगामी 6 से 15 महीने के बीच HEG में मेजर टर्न अराउंड होना है। यही कारण है कि HEG को मैं अपनी फोकस पर रखता हूँ। अपने क्लाइंट्स की सेवा में लगातार उसे पेश करने का प्रयास करता रहता हूँ। HEG नॉर्मली मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए रिकमेंडेशन होती है। आपसे भी विनम्र निवेदन है महानुभाव, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाने की कृपा कर दीजिएगा महाराज।